So guys, a day before my husband's birthday, we went out and we shopped some bicycle for my son, and then we went to Punggol Beach Park where we saw some turtles and tortoise, and then we enjoyed Singapore local ice cream which comes in cups and bread. So kids had fun, they enjoyed sunset view and ice cream. Maine ice cream nahi khai because mera man nahi kar raha tha. Then we had to park my son's bicycle, but we didn't buy the lock for the cycle. So I gave my waist belt to tie the bicycle. I know it's not very strong, par thoda तो काम कर ही देगी. इफ एनीबडी ट्राइज टू स्टील योर साइकिल दे विल थिंक सम लॉक इज देयर. देन वी गॉट अ लवली सी व्यू टेबल इन द रेस्टोरेंट फ्रॉम वेयर वी कुड ऑल्सो सी द पार्क बाईसाइकिल विच वॉज टाइड टू अ ट्री. एंड देन वी हैड सम रोमांटिक म्यूजिक विच इज़ बॉलीवुड म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. हम गए थे तंदूर लॉन्च और आज खाना बहुत ही यमी और डिलीशियस था. हमने किए बहुत सारे लेमनेड्स, ग्रीन टी, ये सब ऑर्डर, और हमने इन्जॉय किया बीच वाला डिनर. बिकॉज बीच पर जो गर्मी होती है और ये ठंडी ठंडी चिल ड्रिंक पीते हो आपको बहुत मज़ा आता है. हम लोग यूजली लेमनेड ही करते हैं ऑर्डर बिकॉज इट्स रिफ्रेशिंग एंड वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन. और इंडियन फूड भी बहुत डिलीशियस था. पेट पूरा भरने के बाद और थोड़ी रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुंचे अनदर प्लेस विच इज़ हाउस ऑफ सी फूड. यहाँ पे इन्होंने अपना ये बहुत ब्यूटीफुल स्विंग को डेकोरेट किया हुआ था इस बार. तो अनिका वांटेड टू टेक सम पिक्चर्स हियर एंड फिर मैंने भी वेट किया अपनी पिक्चर्स के लिए, और हमारा इस तरह से ब्यूटीफुल डे सेलिब्रेट हुआ. और घर आके मैंने कट किया मेरे हस्बैंड का बर्थडे केक एट midnight, एंड दैट वॉज हिज बर्थडे सेलिब्रेशन. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. बाय.